हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हेयर ग्रोथ के लिए हमें अपने बालों में कुछ ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जो हमें अपने घर पर आसानी से अवेलेबल हो जाए, और फ्रेंड्स टाइम कितना भी हो हम अपने बालों में उसे आसानी से लगा सके और हमें मार्केट जाने के ज्यादा झंझट या फिर उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स हमें अपने बालों की केयर टेंशन मुक्त होकर, यानी कि अगर हम फ्रेंड्स किसी चीज का स्ट्रेस लेते हैं तो इसका असर हमारे सर दिमाग पर, हमारे सर पर और हमारे बालों पर पड़ता है। तो आप फ्रेंड्स अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस मत लीजिए और अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस नुस्खे का यूज कीजिए। ये नुस्खा आपके बालों को इतनी तेजी से ग्रोथ करेगा, इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि आप इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते कि ये चमत्कार आपके बालों के साथ आखिर हुआ कैसे है। इसके लिए आपको लेना होगा नीम पाउडर। नीम पाउडर हमारे फेस के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे फेस पर काले दाग धब्बों के लिए, फोड़े फुंसियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह से कई बार जब हमारे सिर में फ्रेंड्स किसी तरह की एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए हमारे बालों की ग्रोथ झड़ने लग जाती है, हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाती है या फिर हमारे बालों में किसी तरह का कीड़ा लग जाता है, तो ये नीम हमारे बालों के लिए सबसे बेस्ट रहता है। और फ्रेंड्स सबसे बेस्ट ये तब रहेगा जब आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है और आप इससे अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको नीम पाउडर का अपने बालों में यूज करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक चम्मच के लगभग नीम पाउडर का यूज करना होगा। इस तरह से आप एक चम्मच नीम पाउडर का ले लीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें सेकंड चीज ऐड करनी है, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से हमारे बालों की ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप ये सोच भी नहीं सकते। आपको इसमें दो चम्मच नारियल तेल लेना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर विटामिन ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए एकदम बेस्ट और अच्छा रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें एक चम्मच सरसों का तेल ऐड करना होगा। सरसों का तेल एक ठंडा तेल होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए एकदम बेस्ट और बढ़िया रहता है। इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा कलौंजी। आपको इतनी मात्रा में इसमें कलौंजी ऐड करनी होगी। आप इसे पीसकर डालेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। इसका पाउडर बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। आपको इसमें इतनी मात्रा में कलौंजी का पाउडर ऐड करना होगा। इसके पाउडर को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जब फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आप दोबारा से इसे मिक्स कीजिए और उसके बाद आप इसे अपने बालों में यूज कीजिएगा। आपको इसका यूज वीक में एक बार जरूर करना है या फिर आप चाहे तो इसे 15 दिन में एक बार भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके बालों की झड़ने की समस्या कम है, आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या नहीं है या फिर आपके बाल सिर्फ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो इसे एक बार यूज कीजिएगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, किसी तरह का कीड़ा लगा हुआ है, बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक कर वो बिल्कुल ही ज्यादा झड़े जा रहे हैं तो आप इसे वीक में एक बार जरूर यूज कीजिएगा। ऐसे करने से आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इसका यूज कीजिए और अपने बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाइएगा। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।